ये रुद्राक्ष है, कहते हैं महादेव के अश्रु, यदि कभी आए तो उन्हें स्वयं पहुंच लो, क्योंकि यदि किसी और को उन्हें पहुंचने दिया तो वो आपका उपयोग करेगा, आपकी दुर्बलता को भांपकर पहले सहानुभूति दिखाएगा और फिर बदले में बहुत कुछ ले जाएगा। इसलिए अपनी दुर्बलता को अपने अश्रु कभी मत बनने दो, उसका भान किसी को मत होने दो, स्वयं पर एकांत में कार्य करो और अपनी दुर्बलता को अपना बल बनाओ, महादेव के रुद्राक्ष की भांति अपने अश्रुओं को अपनी दुर्बलता को एक अलग रूप दो। स्मरण रहे, यदि अपनी दुर्बलता औरों को दिखाई तो ये असफलता की ओर आपका प्रथम पग होगा। अनेकों नदियों का मीठा जल समुद्र में प्रवाहित होता है, तब भी समुद्र का जल खारा ही रहता है, क्योंकि यही समुद्र की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार एक धूर्त व्यक्ति के साथ कोई कितना भी मीठा व्यवहार क्यों ना कर ले, धूर्त व्यक्ति से उसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करना व्यर्थ। इसलिए प्रयास सदा उसी दिशा में करें जिससे मनचाहे उद्देश्य की प्राप्ति हो। वन में विचरने वाले अधिकांश पशु पक्षी अपने भरण पोषण के लिए शिकार करते हैं, कभी सफल होते हैं कभी असफल, किंतु एक शिकारी है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, बाज। और बाज सदा सफल इसलिए होता है क्योंकि उसके प्रत्येक शिकार के पीछे एक योजना होती है। अपने शिकार को देखकर तुरंत उस पर हमला नहीं करता, केवल दृष्टि बनाए रखता है, घंटों दिनों तक निरंतर इतनी ऊंचाई से उसके इर्द गिर्द मंडराता रहता है कि शिकार को उसका भान तक नहीं होता, और फिर उचित समय आने पर एक झपट्टा और शिकार मृत्यु के मुख में। इसलिए यदि जीवन में भी सफल होना चाहते हो तो धैर्य के साथ योजना बनाओ और फिर उचित समय आने पर अपनी पूरी क्षमता के साथ लक्ष्य पर प्रहार करो। नीतियां मेरी, नियति आपकी।